हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? कमेंट्स में जरूर बताना। और मैं आपको बता दूं, माइक लाया नहीं हूं तो आवाज आपके लिए बहुत ही बेकार जा रही होगी, ठीक है? लेकिन कुछ चीजें जो आपको बताना चाह रहा हूं मैं, कल से आप लोगों के इतने ज्यादा मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पर, आपके कुछ लोग व्हाट्सएप से भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर भी, कि सर क्या 11 जुलाई को एग्जाम होगा? ये डेट चल रही है यूट्यूब पर या कहीं भी चल रही है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है इस समय मैं बहुत दूर हूँ सोशल मीडिया से, है ना? क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं तो मैं कहाँ ही सोशल मीडिया पा पाऊँ, है ना? लेकिन मैं आपके लिए चीज फिर भी अपडेट देता रहता हूँ, आप सभी के लिए पता है। और हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अभी एग्जाम नहीं होना है, ये चीज तो सभी को पता है, क्योंकि अभी चल रहे हैं भाई चुनाव, सभी लोग चुनाव में व्यस्त हैं। पहले भी बोला था ना, चुनाव से पहले एग्जाम हो गया तो हो गया, वरना चुनाव के बाद जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले होना 100% तय हुआ भी, लेकिन पेपर लीक हो गया। अभी आपकी किस्मत तो आप जान ही रहे हो कितनी बुरी सी चल रही है ना। लेकिन हाँ, ये चीज है जो 11 जुलाई को एग्जाम डेट निकल कर आ रही है, कोई ऑफिशियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? अगर ऐसी कोई डेट आती हुई तो 11 जुलाई नहीं, या तो 10-11 जुलाई होगी या 11-12 जुलाई होगी, क्योंकि एक दिन पे परीक्षा कराना संभव बिल्कुल भी नहीं है। 50 लाख फॉर्म है भाई, अभी देख लो, एक ही दिन बार में परीक्षा एक ही दिन होने वाली थी ना इस बार भी, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा आ गए थे, 50 लाख फॉर्म। एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि 50 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे, 50 लाख फॉर्म पड़े, परीक्षा 2 दिनों में करवानी पड़ी, एक ही दिन एक ही पाली में परीक्षा होने की थी। एक्सपेक्ट था 25-30 लाख फॉर्म आएंगे, लेकिन भाई फॉर्म आ गए सीधे सीधे 50 लाख, ठीक है? तो फिर कहीं क्या हो पाता? कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल 11 जुलाई को आपको परीक्षा अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना? देखो, जाएगी तो उतरी परीक्षा, सीधी बात है। जून में परीक्षा होना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर आपको वही बता दूं, जून के लास्ट तक तैयार हो जाना भाई एग्जाम के लिए। मैं बार बार इसलिए ये चीज कहता हूँ भाई, जून के लिए अगर आप लोग तैयार हो, इस बार मैं यही बोलता रहा, दिसंबर तक अपना तैयार हो लेना लास्ट तक, जनवरी फरवरी कभी परीक्षा अपना तैयार रहना कि परीक्षा देनी है आपके लिए हर हाल में। वही हुआ, देखो, अगर आप दिसंबर जनवरी तक खुद को तैयार रखते, फरवरी में एग्जाम दे देते। इसलिए मैं फिर आपको कहता हूँ, जून के लास्ट दिन तक अपने आपको खुद को तैयार कर लो, फिर जुलाई में हो या अगस्त में हो या सितंबर में परीक्षा देनी है आपके लिए, 100% सफल हो जाओगे। और एक बार भाई नौकरी लग गई ना, देखो समस्याएं तो हर जगह हैं, छोटी सी नौकरी से लेकर बड़ी नौकरी तक समस्याएं हर तरफ से हैं। जीवन में समस्या पारिवारिक भी होती है, आप सब जानते हो। जैसे मैं पोस्ट एक दो डाला हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि सर कांस्टेबल की नौकरी सर ऐसे तो सही नहीं लग रही है। भाई चलता है यार सब कुछ, आप लोग भी जान रहे हो ना, ये जॉब कौन करता है यार, हम ही तुम लोग करते हैं, कोई अभी ऐसा तो आएगा नहीं, समझ रहे हो ना, ऊंचा कोई अच्छे परिवार का जो ये नौकरी करेगा, कि हम लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना ये जीवन यापन का साधन है, ठीक है ना? इसमें हम लोग अमीर नहीं बनते, ये जीवन यापन अपना परिवार सही से चला सकते हो, इसलिए हम लोग नौकरियां चुनते हैं गवर्नमेंट, है ना? तो ठीक है, पहला टेंशन ना लो, देखो बनना। और थोड़ी सी आप लोग जान रहे हो ना, थोड़ा अच्छा रुतबा और शान शौकत, और आपके लिए एक अच्छी नज़र से देखना, अकबर भी मिलने के बाद अगर आपके लिए मिलते हैं ना, तो ये चीज़ें आपके लोग नज़रिया से देखते हैं इस तरह से, ठीक है? तो खुद को तैयार कर लो भाई, वर्दी पा जाओ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। परीक्षा 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई कभी भी हो, लेकिन अभी डेट कन्फर्म नहीं है। आरपीएफ कॉन्स्टेबल की तैयारी आप लोग बहुत से कैंडिडेट्स करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि आरपीएफ कॉन्स्टेबल की अगर आपने तैयारी समय की तो समझो आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑटोमेटिक तैयार हो जाओगे। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं बता रहा, अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल या आरपीओ कांस्टेबल की तैयारी की, तो रीजनिंग मैथ वही है, रीजनिंग मैथ, जीके, जीएस, करंट, सब कुछ वही है। तीनों सब्जेक्ट जो आरपीएफ में आएंगे वही आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएंगे। आप यहाँ भी ट्राई करो, वहाँ भी ट्राई करो, वहाँ सेंटर की नौकरी है, वैकेंसी कम है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ, हम तैयार तो हुए कम से कम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर वहाँ भी हो गया तो और अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ भी नौकरी आप ही में से कुछ लोग पाएंगे, है ना? तो वहाँ भी आपके चांस है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं लगेगी, कम पोस्ट में भी नौकरी लगती है, याद रखना ये बात, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं फिलहाल दोस्तों, माइक लाया नहीं तो आप सभी को पता है, इसलिए वीडियो भी नहीं बना रहा था इस समय, और अभी इसको अपलोड करने में भी काफी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, है ना? तो वीडियो बस छोटी सी रख रहे हैं आपके लिए, बता दूं मैं, एग्जाम के लिए अपना जून तक खुद को तैयार कर लेना, लास्ट जून तक, अभी भी अप्रैल चल रही है, मई जून में खुद को तैयार कर लो, 2 महीने में जिनका सिलेबस कंप्लीट था रिवीजन कर लो, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? अपने प्रैक्टिस साइड में 210 220 नंबर लाने लगो, और जून के अंत तक तो लाने लगना, यानी कि मई जून में आपके 220 नंबर आने लगे प्रैक्टिस साइड में, 200 से ज्यादा आने चाहिए, कैसा भी प्रैक्टिस साइड हो, हार्ड हो तो 190-95 नंबर, थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल लगे तो तकरीबन 220 नंबर, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट के ऊपर होता है। प्रैक्टिस सेट कैसा है, हार्ड है, नॉर्मल है या इजी है? इजी होगा 250 नंबर भी ले आओगे आप, सीधी बात है, सब चीजें अगर इजी दे दी जाएंगी तो वो चीज चलती रहती है। मत सोचा करो कि आज मेरे प्रैक्टिस सेट में 220 नंबर आ गए, जी कल का प्रैक्टिस सेट सर दिया 180 नंबर आए, भाई लेवल भी तो देखा करो ना, उसमें लेवल क्या आ रहा है, इसमें लेवल क्या आ रहा है, ये चीज भी देखा करो, ठीक है ना? अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, पेपर नॉर्मल आएगा तो सबके लिए नॉर्मल आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा, ठीक? उसमें टेंशन ना लो, उसके लिए अगर जैसा पेपर होगा उसी हिसाब से कट ऑफ भी जाने वाली है। तो मैं फिर बता दूं आपका यूपी
पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एजी टू नॉर्मल होता है, हार्ड नहीं होता है। आप कभी भी उठा के देख लो, 5 साल बाद भर्ती आई, फिर भी मैं यही चीज कहता रहा। सेम पिछली बार जो 18-19 में सिलेबस था आपका, जैसा आया था पैटर्न, सब कुछ वही फॉलो उसने किया। खाली मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन बढ़ाए थे, वरना रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी जो भी था ना, सब सेम था भाई। आप भी ये चीज बहुत अच्छे जान रहे हो, सब कुछ सेम था, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं थे। 19-20 तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है ना, और कुछ भी नहीं था, बस मानसिक अभिरुचि के अलावा। इस बार भी तैयारी कर लो, हो सकता है कोई चीज ऐसी अनएक्सपेक्टेड रख दी जाए, जैसे कि समाधान है, हो सकता है इस बार आर्टिकल ज्यादा रख दिए जाएं, समाधान से 10% रख दिए जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, समाधान से इस बार 10% रख दिए जाएं। क्योंकि हमारा जब री एग्जाम हुआ था, तो उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें समाधान का 1 भी% नहीं था। जब हम री एग्जाम देने गए तो 3 आर्टिकल और 2 समाधान के बेसिक क्वेश्चन थे, यानी 5 क्वेश्चन तकरीबन समाधान समाधान के मुझे लगे थे उसमें, बताओ सोचो पहले। तो ये चीजें होती है, ठीक है ना। तो खुद को तैयार कर लो, हर तरह से तैयार रखो, चाहे मानसिक अभिरुचि है, चाहे आपका कुछ भी A to Z चीजें, खुद को अगर आप तैयार हो तो वर्दी पा जाओगे। और ये बहाने मत मारो कि सर कहाँ से तैयारी करें, या मतलब कैसे तैयार हो पाए, हमारे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, इतना आसान नहीं होता तैयारी करना। भाई देखो, आसान तो नहीं होता है, कुछ भी आसान नहीं है, याद रखना, आसान कुछ भी नहीं है, आसान बनाना पड़ता है तैयारी अच्छी करके, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट्स देखो नौकरी पाने वाले हैं, 60,244 भर्ती पाने वाले हैं इस बार, याद रखना, 2024 के अंदर अंदर उसमें आपका नाम आता है या नहीं आता है वो आपकी मेहनत डिपेंड करेगा। अगर आपकी अच्छी मेहनत होगी तो पक्का आपका नंबर आने वाला है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले पे विश्वास, वो अपनी पढ़ाई जारी रखो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।